देखिए हम चलते हुए भैया आराम से धीरे से भैया गिर जाएंगे, बच्चे हैं अंदर। एंड अभी हम लोग ये ऊपर वाले जो दरिया घाट है, दरिया घाट से नीचे की ओर उधर रहे, अभी खतरनाक तरीके से मोड़ आ रही है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मैहर पहुंच चुके हैं, ये आप देख रहे हैं माँ शारदा पहाड़ी की पहाड़ी। Hey guys, welcome back to my new vlog. So, दोस्तों अभी हम लोग मैहर जा रहे हैं, हम पंडित जी, बड़े भैया एंड अपने संदीप भैया और साथ में बहुत सारी पब्लिक है। जैसे ही कहीं पे गाड़ी रुकेगी तो मैं पब्लिक को दिखाऊंगा, है ना। तो अभी हम लोग जस्ट पहाड़ी चढ़ने वाले हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रोमांचक माहौल देखने को मिलने वाला है। एंड अपनी गाड़ी की फर्स्ट राइडिंग है जो कि मैहर, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर के लगभग हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग बस पहुंचने वाले हैं मैहर, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैहर माता पहाड़ पर विराजमान है, आला उदल के नाम से जानी जाती है। उदल जो आला है, आला हम हर सुबह उनको सबसे पहले फूल चढ़ाते हैं, मैहर माता के दर्शन करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। आज तक कोई उन्हें देख नहीं पाया है कि वो कौन आता है, कौन फूल चढ़ाता है। जब वो बट खोलते हैं शारदा माता के मंदिर के, तो उसमें पहले से ही पूजा पाठ करी रखी होती है और फूल चढ़े मिलते हैं। तो ये सब कहानी है मैहर माता की, और चलिए आपको हम दर्शन करवाएंगे पहाड़ी से, जो भी जैसे होंगे। धन्यवाद। हाँ तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग मैहर आ रहे हैं, तो ये देखिए ये मैहर माता की टेकरी है और ये भी हम लोग रास्ते में ही हैं, उतरने वाले हैं घाट, तो आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए मैहर माता का पहाड़, इसे अपन टेकरी भी कह सकते हैं, जरा जूम करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ माता विराजमान है ऊपर पहाड़ी में, वहीं से हम सबके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए थोड़ा ये व्यू का भी मजा लीजिए। फाइनली देखिए हम लोग आ गए, कितना घटिया पहाड़ है ये और कितनी गहरी ये रास्ता खाई है। देखिए हम चलते हुए भैया आराम से धीरे से भैया गिर जाएंगे, बच्चे हैं अंदर। ये देखिए बस उतरने वाले हैं, ये देखिए पहाड़ का व्यू देख सकते हैं आप। ये टेकरी है मैहर माता की टेकरी है, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। ऊपर माता विराजमान है, बोलो मैहर माता की जय। और ये फिर हम लोग घाट उतरते हुए ये व्यू देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। भैया हमारे विष्णु भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे संदीप ब्रो हैवी ड्राइवर, और ये रहे सभी लोग। ये देखिए बस उतरने वाले हैं, ये देखिए पहाड़ का व्यू देख सकते हैं आप। ये टेकरी है मैहर माता की टेकरी है, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे आपको। ऊपर माता विराजमान है, बोलो मैहर माता की जय जय। और ये फिर हम लोग घाट उतरते हुए ये व्यू देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। भैया हमारे विष्णु भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे संदीप ब्रो हैवी ड्राइवर, और ये रहे सभी लोग। तो फाइनली दोस्तों हम लोग मैहर पहुंच चुके हैं, ये आप देख रहे हैं माँ शारदा पहाड़ी की पहाड़ी। ये रही अपनी पूरी जनता भैया, यही है मुस्कान का आशिक। हाँ तो हाँ भैया अब हम लोग मैहर पहुंच गए हैं, प्रसाद वगैरह ले लिया हम सभी लोगों ने, ये पीछे सभी लोग अपने साथी लोग, और आगे चलते हैं। सभी लोग हमें सीढ़ियों के पास में मिलने वाले हैं, तो अभी क्या होते हैं माई की जय शारदा माता महारानी। तो फिलहाल हम लोग प्रवेश हो रहे हैं अपने प्रवेश द्वार से, ऊपर की ओर बढ़िया रोड वगैरह बनी हुई है, तो चढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे आराम आराम से। जय माता दी।
अभी शाम का वक्त है, 4:30 बजने के हैं, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हो रही है। काफी सारे लोग ऊपर भी जा रहे हैं एंड काफी सारे लोग नीचे की ओर भी आ रहे हैं, है ना। मतलब बहुत ही अच्छा माहौल मंजर। तो भैया ऐसे अपन के हाल गिर रहा हूँ, अच्छो खास पसीना, शाम को हवा ठंडी चल रही, हवा फिर भी पसीना आ रहा है। रुकते रुकाते थोड़ी बहुत जा रहे, और हमारे लालू भैया तो कंटिन्यू चलते हुए आ रहे, क्योंकि ये पीछे थे जो हमारे साथ में हो गए, और सभी लोग थोड़ी थोड़ी दौड़ते। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अपने सभी भाई लोग दर्शन करते हुए मतलब जा रहे हैं, और दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तुझे लगी लंबी कतार, काफी सारे लोग आगे पीछे चल रहे हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। यहाँ पर सीढ़ियों से नहीं, यहाँ पर नीचे की रास्ता दी गई, तो इस नीचे वाली रास्ता से आराम आराम से बढ़िया। अब कोई दिक्कत नहीं, आप तो चलते रहो मजे के साथ। और यहाँ पर दो सुविधाएं और हैं, एक ओमनी सुविधा है जो कि 500 रुपये में 7 लोगों को ऊपर तक लेके जाती है, एंड रोपवे की सुविधा है जो कि शायद 240 में नीचे ऊपर यानी जाना आना दोनों करती है, है ना। तो जो व्यक्ति विकलांग है या ज़्यादा वृद्ध हैं या जो चल नहीं सकते, या मतलब भाई मन की श्रद्धा है किसको पैदल चलना है और किसको सुरक्षा के साथ एंड बिना थकावट के पहुंचना है, तो वो लोग रोपवे और ओमनी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सभी लोग बोलिए जय माता दी। रिकॉर्डिंग वाले जो गेट तो रहा है काफी। फिलहाल भैया जा रही है अपनी बहुत बड़ी वाली भीड़, और सब आदमी कचाकच भरे जवाहरलाल भैया। फाइनली गाइस हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी चीटिंग वगैरह भी करी है, उसके बाद यहाँ हम लोग पहुंचे। अब चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर भीड़ काफी सारी है। सो जय अपनी माता जी का मंदिर, मैहर वाली माता, जय सारे। तो चलते हैं ऊपर की ओर। जय रहे अपने दो ठैया भैया, एक पिम्मी भैया और एक जे लकी भैया, है ना। तो भाई लोगों ने बहुत पहले दर्शन कर लिया था, अभी अपन लोग दर्शन करने के लिए चढ़ने वाले हैं। तो VIP गेट लगा है, बाकी वही चीज है, हम भाई भी गए। सब देख तो रहे हैं उधर से, जय भैया जी, हो रही हमारे सब जनन की फोटो, मैहर माता मंदिर में आप लोग दर्शन कर लो। ये अपने पिम्मी भैया ने तो पहचाना तू, जय कारा माता रानी का, पता नहीं है। और भीड़ लगी है भयंकर भारी, काफी ज्यादा भीड़ है, मतलब शाम का समय है, 6 बजे के समथिंग हो रहे हैं। अभी हम लोग मासी जी से मिले हैं, इनका आशीर्वाद वगैरह हमने ले रखा है। मासी जी चैनल का नाम बता दे, आप लोग का खूब तंदुरुस्ती बनी रहे, आपके मम्मी पापा बने रहे, आप लोग का फैमिली बना रहे, आप लोग अच्छे रहो, माता रानी करे। कहाँ पर आए हो आप? हम आए हुए हैं शारदा माता मंदिर मैहर में। छोटी वाली भैया है, जब वाली जतन मछली वाली, जब बड़ी वाली, और एक बार बड़ी वाली भैया है। लोगों ने बहुत पहले दर्शन कर लिए थे, पंडित जी ने भी दर्शन कर लिए, पापा जी ने भी कर लिया, सभी लोगों ने दर्शन करके, है ना। और अभी चलते हैं अपन सभी लोग। जय माता दी, जय माता दी, वेलकम बैक विष्णु जायसवाल ब्लॉग। हम लोगों ने शारदा माता के दर्शन कर लिए हैं, और अभी जा रहे हैं नीचे। नीचे किधर? हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया,
कितने घंटे? 3 घंटे नहीं, 3.5 घंटे 3.5 घंटे सॉरी चले वे पहुंचो तुम्हें आगे। अरे भाई मेरा ए, हमारे सूर्या भाई और विष्णु भाई। गाइस आज हम लोग को इतना मजा आया बहुत ज्यादा और हमारे साथ सूर्य भाई मिल गए तो हमको बहुत ही ज्यादा मजा आया। और हमारे प्रवीण भाई भाई हम लोग जा रहे हैं नीचे, थोड़े बहुत थक गए हैं और अभी जाएंगे नीचे और नीचे भी देखते हैं कितने एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे जा रहे हैं सभी लोग, देखिए हमारे लक्ष्मी भाई और भी पब्लिक हमारी जुड़ती जा रही है, रास्ते में सब मिलते जा रहे हैं।